Assalamualaikum, hello and welcome to M.Mudasir mein khush aamdeed. Aaj ki is video mein Karachi walon ke liye khush khabri hai. KDA yani Karachi Development Authority ek new housing scheme mutasir kar rahi hai jahan se gareeb aur mutawas tabke ke log kam qeemat mein plot hasil kar sakenge. Ye housing scheme Karachi mein kahan par shuru hogi aur is scheme mein kitne type ke plot milenge aur yahan par aapko kaun kaun si sahulatein di jayengi, is housing scheme ki kanuni haisiyat kya hogi, in tamam baaton ki tafseel aapko is video mein batai jayegi. Is video ko mazid aage badhane se pehle main aapse kahunga, agar aap hamare channel par new aaye to hamare channel ko subscribe kare aur saath bell icon ko click kare taaki aapko aage aane wali KDA की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. अगर आप चाहते हैं कि कराची में सस्ता प्लॉट खरीद सके तो KDA ने इस हवाले से एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है. इस हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम है KDA सिटी. ये प्रोजेक्ट स्कीम 47 गडाप टाउन में शुरू किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट का रकबा 63,000 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है. ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इजाज़त से KDA ने KDA सिटी के नाम से इंट्रोड्यूस किया है. बुनियादी तौर पर ये प्रोजेक्ट सचानी टाउन से मुतासिर है, जहाँ पर 6 दियात भी मौजूद हैं जिनके नाम मौत घर, मायो, अल्लाबाई, शाही चौक, मुंडोरो, लोहार कोलांट, ये तमाम छोटे छोटे दियात हैं और इन तमाम दियात को मिलाकर स्कीम 47 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ पर ज़मीन की प्लाटिंग भी कर दी गई है और KDA ने इस प्रोजेक्ट की समरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भेज दी है. इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान भी मुकम्मल हो चुका है और इसकी तफसीली लेआउट पर काम जारी है. इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें जिसमें पानी, बिजली, गैस शामिल है, वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो हब डैम मौजूद हैं वहाँ से इस स्कीम में पानी की फरहमी भी की जाएगी. इससे पहले ये KDA की जानिब से जो लास्ट स्कीम आई थी वो टेसर टाउन स्कीम 45 थी. उसके बाद KDA की जानिब से कोई ख़ास हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ. कराची की मुसलसल बढ़ती हुई आबादी में रिहाइश के हवाले से बहुत ज़्यादा फुद्दान है. गरीब और मुतवस्त तबके के लोगों के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है और कराची की आवाम की तरफ से इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है. उम्मीद ये की जाती है कि KDA की इस लास्ट इस हाउसिंग स्कीम को हाथों हाथ लिया जाएगा और बहुत जल्द हाउसिंग स्कीम की बैलेटिंग भी शुरू की जाएगी और इस हाउसिंग स्कीम की कुरानंदाज भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे टेसर टाउन स्कीम 45 में हुई थी. इस स्कीम की बैलेटिंग भी किसी बैंक के ज़रिए की जाएगी, जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप इसे भरकर उसी बैंक में जमा करवाएंगे और फिर उसकी बैलेटिंग होगी जैसे पहले प्रोजेक्ट में हुई थी. लेकिन ये बैलेटिंग किसी बैंक के ज़रिए होगी, उसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया. जैसे ही ऐलान होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे. इस हाउसिंग स्कीम प्लॉट्स की एक्सपेक्टेड कीमत 4 से 5 लाख रुपए तक होगी. टोटल 1.5 लाख प्लॉट्स अवेलेबल होंगे जो कि लोगों को दिए जाएंगे. इस हाउसिंग स्कीम के बराबर में टेसर टाउन भी मौजूद है, लेकिन टेसर टाउन प्रोजेक्ट MDA के अंडर में था, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में है. लेकिन स्कीम 47 डायरेक्टली KDA के अंडर में है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूव होगी, जहां पर आपको किसी भी किस्म की लीगल प्रॉब्लम नहीं होगी. ये स्कीम 100% लीज होगी. गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुताबिक गरीब और मुतवस्त तबके के लोगों को तरजीह दी जाएगी. ये थी आज की इस वीडियो में इस स्कीम के हवाले से मुख्तसर सी मालूमात जो मैंने आपको आज इस वीडियो में दी है. इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद बैलेटिंग शुरू होने पर आपको मज़ीद मालूमात भी इस चैनल पर मिलेगी. ये स्कीम की मंजूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है. जैसे ही ऐलान होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जैसे ही फॉर्म वगैरह कौन से बैंक से होंगे तो हर चीज़ हम आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर बताएंगे. उसके लिए आपको बस छोटा सा काम करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे भी वीडियो आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ताकि कराची की आवाम इससे फ़ायदा उठा सके. और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि और भी वीडियोस हम ऐसी बनाते रहें. चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान.
दोस्तों अशबे बराते मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसी बात पे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।